बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम अपने बायोलॉजी के एफएससी पार्ट वन का ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करेंगे, और ऑनलाइन सेशन स्टार्ट में हम चैप्टर नंबर वन को डिस्कस करेंगे जिसका नेम है इंट्रोडक्शन। चैप्टर नंबर वन का 01 का नेम है इंट्रोडक्शन। आज का जो लेक्चर है इसमें हम जो की पॉइंट्स मेन डिस्कस करेंगे वो ये हैं। नंबर वन, व्हाट इज बायोलॉजी, और नंबर टू है स्कोप ऑफ बायोलॉजी, और नंबर थ्री है ओवरव्यू ऑफ बायोलॉजी। सबसे पहले हम अपने की पॉइंट नंबर वन को डिस्कस करते हैं, व्हाट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी का जो वर्ड है वो एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, और ग्रीक लैंग्वेज के वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसमें हम आ जाते हैं टू वर्ड्स आ जाते हैं। एक का मतलब वन है बायोस, सेकंड वन है लोगोस। जो बायोस का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ, और लोगोस का मतलब होता है थॉट और रीजनिंग और स्टडी करना, ठीक है। देन हम कलेक्टिवली हम ये कह सकते हैं कि बायोलॉजी जो है वो इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कलेक्टिवली हम ये कह सकते हैं बायोलॉजी के अंदर जो हम मेजर चीज को हम डिस्क्राइब करेंगे वो लिविंग पार्ट ऑफ नेचर को डिस्क्राइब करेंगे, और एक और चीज हम देखेंगे कि उनका इफेक्ट उस पर नॉन लिविंग फैक्टर्स का इफेक्ट कौन सा है, यानी कि एबायोटिक फैक्टर जो है उनका इफेक्ट क्या है। और सेकंड वन जो है हमारा वो है स्कोप ऑफ बायोलॉजी। स्कोप ऑफ बायोलॉजी के अंदर आ जाता है व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या है। लाइफ में हम देखते हैं व्हाट इज लाइफ इज अ सेट ऑफ करैक्टरिस्टिक्स। सेट ऑफ करैक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं मेजर जो आ जाते हैं कि नंबर वन जो करैक्टर है वो है ग्रो का मतलब क्या होता है कि अपने मैस को इंक्रीज करना, सेल मैस को इंक्रीज करना। ये जो लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ होती है उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी कि उसके अंदर ये एक पेरेंट सेल है ये डिवाइड करके टू सेल्स बना देगा, ठीक है ना। इस ये भी ग्रोथ हो रही है लेकिन इसकी ग्रोथ को हम रिप्रोडक्शन कहेंगे। लेकिन इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो ग्रोथ होगी, ये वाली जो डिवीजन होगी उसको हम ग्रोथ डिक्लेयर करते हैं, यानी कि जो ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि ग्रो करता है अपने साइज के अंदर उसे हम कहेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म डिक्लेयर कर देंगे। सेकंड वन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिस तरह आपने पिछली क्लासेस के अंदर भी पढ़ा हुआ है 9th और 10th के अंदर भी, कि मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल, यानी कि उसकी जो बॉडी होगी वो सेल से मिलकर बनी होगी। सेल जो है वो इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि उसका जो बॉडी की मॉर्फोलॉजी है, उसकी जो बॉडी का टेक्सचर है वो सेल से मिलकर बना होगा। अगर सेल नहीं है तो देन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तीसरा जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि वो एक्वायर एनर्जी। एक्वायर का मतलब क्या होता है कि वो गेन कर सकता है, किस चीज को गेन करेगा, एनर्जी को गेन करेगा, प्लस उसको यूज भी करेगा किसके लिए, अपने इन एनवायरमेंट के अंदर सर्वाइव करने के लिए। ये वाला जो प्रोसेस है इसे हम न्यूट्रिशन कह देते हैं। एक्वायर एंड यूज एनर्जी, एक सिंगल वर्ड ब्रॉड टर्म हम यूज कर सकते हैं इसमें हम न्यूट्रिशन। और जो नंबर फोर्थ करैक्टरिस्टिक है वो होमियोस्टेसिस करेगा। होमियोस्टेसिस जिस तरह आपने चैप्टर नंबर 9th, 10th के चैप्टर नंबर 2nd के अंदर जो उसका नेम ही है होमियोस्टेसिस है। होमियो का मतलब होता है सेम करना, स्टेसिस का मतलब जो होमियो का मतलब है सेम, और स्टेसिस का मतलब निकला स्टेट से, यानी कि इंटरनल स्टेट को मेन सेम रखना, चाहे बाहर जो कुछ मर्जी होता रहे, यानी कि इंटरनल कंडीशन को सिमिलर मेंटेन करना विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल कंडीशन, इसे हम क्या कहेंगे बोला होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस के अंदर तीन चीजें आ जाती है, वो एक्सक्रीशन भी करेंगे, वो थर्मोरेगुलेशन भी करेंगे, वो ऑस्मोरेगुलेशन भी करेंगे। एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, उसके अंदर जो वेस्ट बन रहा है उसको वो बाहर निकालेंगे। अच्छा क्वेश्चन ये अब आ जाता है कि वो वेस्ट को बाहर क्यों निकालेंगे। वेस्ट को बाहर सिंपल सा आंसर है कि वो वेस्ट को बाहर इसलिए निकालेंगे ताकि अपनी इंटरनल कंडीशन को मेंटेन कर लें। फिर सेकंड आ जाता है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन किसे कहते हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट करना। ऑस्मोरेगुलेशन किसे कहते हैं, अपने बॉडी के अंदर साल्ट्स जो हैं और वाटर जो है उनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, ये ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। और नंबर 5 जो करैक्टरिस्टिक है वो है
वो कोऑर्डिनेशन, यानी कि उनके अंदर जितने भी फंक्शन है, जो इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स है, लिवर है, हार्ट है, स्टमिक है और अदर ऑर्गन्स जो हैं, वो सारे के सारे अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करें, लेकिन उनको एक चीज कोऑर्डिनेट कर रही है, कोऑर्डिनेटर है उनका एक पड़ा हुआ, वो हमारे अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी, केमिकल कोऑर्डिनेशन भी होती है हमारे अंदर इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इन केस ऑफ प्लांट्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन है वो सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, यानी थ्रू हार्मोन्स और केमिकल्स के थ्रू होती है, लेकिन इन केस ऑफ एनिमल्स और हायर इनवर्टिब्रेट्स उनके अंदर जो केमिकल, उनके अंदर जो कोऑर्डिनेशन होती है वो सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू और वर्टिब्रेट्स के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोथ होते हैं। और जो थर्ड जो हमारा सिक्स जो पॉइंट है कि जो वो कौन सा करेक्टरिस्टिक्स है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक ऑब्जेक्ट को लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाता है, वो है जेनेटिक प्रोग्राम, यानी कि उसके पास अपना एक जेनेटिक प्रोग्राम होगा। ये जेनेटिक प्रोग्राम का एम क्या होता है, मकसद क्या है, यानी कि उसके पास उसके अंदर हेरिडिटी मटेरियल पड़ा होगा। हेरिडिटी मटेरियल जो होता है वो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर डीएनए पड़े होते हैं, डीएनए के छोटे से सबयूनिट को हम जीन्स कहते हैं। वो जो जीन्स होता है वो जीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ट्रांसफर ऑफ करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन आल्सो। और एक और चीज वो रिस्पॉन्सिबल है कि उसने कौन सा करेक्टर बनाना है, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सा करेक्टर बनाना है, प्लस वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में करेक्टर को ट्रांसफर करेगा, ठीक हो गया। और तीसरा जो आ जाता है, यानी कि सॉरी सेवन करेक्टर जो है वो है, सेवन करेक्टर जो है वो रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट को वो क्या करते हैं बता, रिस्पॉन्ड टू देयर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं। इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करने का मतलब क्या है, अगर कोई भी इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आ रही है, चेंज का मतलब क्या है, आजकल जैसे सीजन चल रहा है गर्मियों का, गर्मियों के सीजन के अंदर स्वेटिंग ज्यादा होती है, बॉडी डिहाइड्रेशन हो सकती है, तो हम इस चीज को, इस चीज से बचने के लिए, सर्वाइव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ज्यादा वाटर पीते हैं, हम फ्रूट्स ज्यादा खाते हैं, फ्रूट्स एज ए सोर्स ऑफ वाटर आल्सो, और वाटर एज यूज करते हैं और अपने मशरूम और दूसरे मशरूमात का भी यूज करते हैं अपने गर्मी समर सीजन के अंदर। लेकिन विंटर सीजन के अंदर हम इतना वाटर यूज नहीं करते, क्योंकि डिहाइड्रेशन नहीं होती, स्वेटिंग नहीं होती, हमें वाटर की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। यानी कि अपने एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चेंज आएगी, वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो फौरन उसको रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है ना। फिर जो आ जाता है एक नंबर एट करैक्टरिस्टिक्स जो है, उनके अंदर मेटाबॉलिज्म होगा। क्या बोला, मेटाबॉलिज्म, जिस तरह आपने नाइन्थ क्लास के अंदर चैप्टर नंबर सिक्स के अंदर पहले जो ये वाली डेफिनेशन निकली की हुई है, मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टी, वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन वो हो ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, चाहे किसी कोई चीज टूट रही है, चाहे कोई चीज बन रही है, देन वो जो चीज है, वो जो रिएक्शन है उनको हम क्या कहेंगे बना, मेटाबॉलिज्म। यानी कि सेट ऑफ ऑल करेक्टरिस्टिक्स, सेट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म इज सेट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन दैट आर अकरिंग इन ऑर्गेनिज्म। अब मेटाबॉलिज्म के अंदर दो चीजें आ जाती है, मैंने अभी आपको बताया, एक चीजें बन भी रही होती, चीजें टूट भी रही होती, एक को हम कहते हैं एनाबॉलिज्म और दूसरे को हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। जो एनाबॉलिज्म है उसके अंदर स्मॉल थिंग्स जो है वो मिलकर लार्ज चीज बनाती है, लेकिन कैटा का मतलब कट से निकला, इट्स मीन जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब इधर से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वर्ड इंडिकेट कर रहा है एनाबॉलिज्म के अंदर एनर्जी कंजर्व होगी, लेकिन कैटाबॉलिज्म के अंदर एनर्जी रिलीज होगी। ये वाले दोनों, ये वाला ये ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया पिछले वाले आपकी क्लासेस का, कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर वो मेटाबॉलिज्म भी हो रहा होगा, ठीक है। अब नाइन कैरेक्टर जो नाइन पॉइंट आ जाता है कि वो रिप्रोडक्शन करेगा। रिप्रोडक्शन जो है वो मोस्ट बेसिक करैक्टरिस्टिक है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, कि वो अपनी तादाद बढ़ाएगा, अपने जैसे नए जानदार पैदा करेगा। रिप्रोडक्शन दो तरह की होती है, एक को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिस तरह ये वाली रिप्रोडक्शन जो है यूनिसेलुलर के अंदर, उसके अंदर एक पेरेंट जो बैक्टीरिया है वो डिवाइड हो जाता है टू के अंदर, इसे हम क्या कहेंगे बोला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कह देंगे, ठीक हो गया। अच्छा एक नंबर 10 पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर भी है, यानी कि इसके अंदर आ जाता है वो कॉन्शियसनेस, यानी कि कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होगा कि वो उनके अंदर शौर होगा। शौर का मतलब क्या है, शौरी चीज क्या है, यानी कि वो समझ बूझ रखते हैं कि मेरे लिए ये चीज फायदेमंद है, ये चीज फायदेमंद नहीं है, वो ये मैंने ये इस चीज को इस तरह रिस्पॉन्ड करना है, मैंने इस टेरिटरी में रहना है, इस टेरिटरी में नहीं रहना। फिर आ जाता है
ये वाले जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये एक ऑर्गेनिज्म को, एक ऑब्जेक्ट को लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक हो गया। फिर और अगर इनमें से एक भी करेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर अब्सेंट होगा देन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर नहीं होगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं स्कोप ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी का स्कोप क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्कोप कहते किसे। स्कोप का मतलब होता है रेंज ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की रेंज क्या है। रेंज का मतलब है वो कौन कौन सी चीजों को टच कर रही है अकॉर्डिंग टू देयर जॉब प्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू और अकॉर्डिंग टू देयर रिसर्च प्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। स्कोप रेंज ऑफ सब्जेक्ट वो कौन कौन सी चीज को टच कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, यानी कि कितने फील्ड है, अराउंड अबाउट 60 फील्ड्स हैं, इंटर सब डिसिप्लिन है बायोलॉजी के अंदर, जिसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी आती है। अगर आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो मोस्टली सुनने में भी यही आता है कि बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उस जॉब्स अपॉर्चुनिटी नहीं होती, लेकिन बहुत सारा फील्ड्स आजकल वैस्ट हो गए, नंबर फील्ड इंक्रीज हो गया, प्रोफेशनल डिग्रीज आ गई। अगर आप बायोलॉजी पढ़ोगे, तो मेजर आप एम कैट का टेस्ट क्लियर करके आप एम बी एस कर सकते हो। अगर बायोलॉजी पढ़ोगे आप जूलॉजी पढ़ सकते हो, जूलॉजी के आगे जूलॉजी से भी फिर आगे आप उधर जाके सब चूज कर सकते हो अपनी रिसर्च के लिए, वाइल्ड लाइफ, फिशरीज और दूसरा माइक्रोबायोलॉजी वगैरह पढ़ सकते हो। फिर फूड टेक्नोलॉजी आ जाती है, बायोटेक्नोलॉजी में आप आगे पढ़ सकते हो। उसके बाद आ जाता है ये लेबोरेटरी वगैरह के जो होते हैं डिप्लोमास वगैरह जाते हैं, अगर बायोलॉजी पढ़ी हो तो बंदा वो अच्छे तरीके से पिकअप कर लेता है सारी चीज़ें। यानी कि बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं जो बायोलॉजी के अकॉर्डिंग, नंबर कितना है 16 नंबर है, 16 सब डिसिप्लिन है जिसके अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी आती है, और जॉब अपॉर्चुनिटी आती है और हम इसे पढ़ के आगे अपनी अपने आप फ्यूचर को सिक्योर भी कर सकते हैं। फिर आ जाता है ओवरव्यू ऑफ बायोलॉजी। ओवरव्यू ऑफ बायोलॉजी के अंदर हम देखेंगे कि वो जिस तरह आपने पीछे पढ़ा था कि स्कोप के ओवरव्यू, सॉरी ओवरव्यू ऑफ बायोलॉजी से पहले हमें एक चीज और देखेंगे स्कोप के अंदर, कि हमने कहा था कि जो बायोलॉजी है वो स्टडी ऑफ लाइफ है। अब लाइफ क्या, अब लाइफ क्या, व्हाट इज लाइफ, इस पे डिबेट हो सकती है कि लाइफ है क्या चीज है। ये डिफरेंट साइंस बायोलॉजिस्ट इसको डिफरेंट तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, फिलोसोफर इसको डिफरेंट, हर बंदा इसको अपने तरीके से डिफाइन कर सकता है। जैसे लाइफ इज अ बेड ऑफ थॉर्न्स, लाइफ इज अ बेड ऑफ फ्लावर्स, लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेस, और जिंदगी बुलसरात की मानद है, उलमा इकराम जिस तरह हमें डराते रहते हैं। ठीक है ना। लेकिन बायोलॉजिस्ट जो है वो इसे क्या कहते हैं, बायोलॉजिस्ट अच्छा ये काम जो है, यानी कि व्हाट इज लाइफ, व्हाई इज इट इन, ये यहाँ ही क्यों है, हाउ इट वर्क्स, ये वाला जो पॉइंट है, ये दोनों क्वेश्चन, ये वाला जो क्वेश्चन है ये बायोलॉजिस्ट लेते हैं कि लाइफ जो है वो वर्क कैसे करती है, लाइफ जो है वो कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बनी है। ये वाले जो दोनों क्वेश्चन है कि बट जिंदगी क्या है, ये क्यों है, ये हम ये बायोलॉजिस्ट छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। हम ये कह लेते हैं किसके लिए, फिलोसफर्स के लिए और थियोलॉजियंस के लिए। थियोलॉजियन किसे कहते हैं, थियोलॉजी जो है, थियोलॉजियंस वो होते हैं जो थियोलॉजी को स्टडी करते हैं। थियोलॉजी किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ गॉड, स्टडी ऑफ गॉड को जो स्टडी करेगा उसे हम थियोलॉजियंस कहेंगे। ठीक हो गया। अब ये हमने क्लियर कर दिया, स्कोप के अंदर एक पॉइंट मिस हो गया था, वो था व्हाट इज लाइफ वाला, लाइफ का हमने पढ़ लिया, लाइफ इज द सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, वो कौन कौन से वो मैंने आपको बता दिए, और वो अगर वो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर साइमल्टेनियसली आपके बुक के अंदर ये वर्ड लिखा हुआ है होंगे तो उसे हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर करेंगे, अगर वो नहीं होंगे, एक भी मिस होगा तो उसे हम डिक्लेयर नहीं करेंगे ये ऑब्जेक्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि लाइफ क्या है और लाइफ क्यों है, वो लाइफ कैसे काम करती है, मैंने बताया ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये डिबेटेबल है, इस पर हम डिबेट कर सकते हैं, लेकिन बायोलॉजिस्ट जो है वो इसे स्किप कर देते हैं, किसके लिए बोला, फिलोसोफर के लिए और थियोलॉजियंस के लिए। लेकिन वो बायोलॉजिस्ट फिर क्या करते हैं, मतलब वो ये देखते हैं कि लाइफ वर्क कैसे कर रही है, चल कैसे रही है, इसका मैं इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन आ रहे हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर, कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, यानी कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को स्टडी करते हैं। ठीक होगा। फिर हम देखते हैं अब जो हमारा लास्ट वन टॉपिक है, की पॉइंट है, वो है ओवरव्यू ऑफ बायोलॉजी। ओवरव्यू ऑफ बायोलॉजी के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, अब जो हमने पहले पढ़ी हुई आपने पिछली क्लासेस के अंदर उसको हम डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक हो गया। अच्छा, पहली जो ब्रांच है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो है वो किसकी स्टडी है, स्टडी ऑफ जीन्स, जीन्स की स्टडी, जीन्स की स्टडी करना क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। नंबर टू जो है वो मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं, बोला एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करना, मॉर्फोलॉजी। नंबर थ्री जो है वो एनाटॉमी है, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना बॉडी के, उसको हम कहते हैं बोला एनाटॉमी। नंबर फोर है एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी किसे कहते हैं, बोला एम्ब्रियोलॉजी किसे कहते हैं, बोला एम्ब्रियो की स्टडी करना, एम्ब्रियो कैसे बनते हैं, स्पर्म्स, एग मिलते हैं और क्या बनाते हैं, बोला जाइगोट,
साइगोट के बाद क्या बनता है, पहला एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद राउंड अबाउट 6 स्टेजेस आती है, फिर जाके एक ऑफस्प्रिंग बनता है, ठीक है ना। ये इस चीज की स्टडी करना, जायगोट से एम्ब्रियो बनने की स्टडी करना एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। नोट में मैंने क्या बताया, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना, मसाल के तौर पर आपका स्टमक किस तरह भर कर रहा है, वो किस तरह डाइजेशन कर रहा है, वो कौन कौन सा उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम रिलीज हो रहे हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, आपका ब्रेन है ये किस तरह कोऑर्डिनेशन कर रहा है, ये नोट में है। मॉर्फोलॉजी के उसके एक्सटर्नल पार्ट की स्टडी करना बॉडी के किसी भी चीज की मॉर्फोलॉजी को स्टडी करना कहलाता है, उसकी स्टडी करना मॉर्फोलॉजी कहलाता है। नंबर 6-5 आ गया पैलेंटियोलॉजी। पैलियन का मतलब होता है टोलॉजी, पैलेंटियोलॉजी जो है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, दो वर्ड से निकला पैलियन टोलॉजी। पैलियन का मतलब होता है फोसल, फोसल्स क्या होते हैं, रिमेनिंग पार्ट ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म की डेथ होगी उसके बाद उसके जो बाकी आता है उसको हम क्या कहेंगे, बड़े फोसल्स कहेंगे। फिर उन फोसल्स की मदद से हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म कब आया था, उसके ऊपर फिर वो डिफरेंट तरीके तरीका अगर अप्लाई करते हैं। आपने फिजिक्स के 10th क्लास के फिजिक्स एंड वाला चैप्टर पढ़ा था हाफ लाइफ मेथड, उसके अंदर आपने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स पढ़े थे, उनको हम उसकी बम्बार्डमेंट करवा के हम उसकी एज फाइंड करते हैं, ये ऑर्गेनिज्म जो इसकी हड्डी बची हुई है, बोन्स वगैरह बची हुई है, ये कब कब की है, ठीक है ना। उसकी फोसल की स्टडी करना पैलेंटियोलॉजी कहलाता है। नंबर 6 जो आ गया वो है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के अंदर आप किसको स्टडी करोगे, बोला सेल्स और उसके ऑर्गेनेल्स को स्टडी करोगे, प्लस उसकी सेल डिवीजन को भी स्टडी करोगे, ठीक हो गया। नंबर 7 आ गया आपका एवोल्यूशन। एवोल्यूशन किसे कहते हैं, एक ऑर्गेनिज्म है उसके एंसेस्टर को फाइंड करना, कि उसके अभाव अजदाद को देखना, ये कहां से निकले। जिस तरह डार्विन, आपने चैप्टर नंबर 6 10th क्लास का पढ़ा था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के अंदर आपने पढ़ा था, डार्विन जो था उसने बताया था और ह्यूमन बींग्स का एंसेस्टर कौन सा बना, मंकी है, तो इसकी स्टडी करना कह रहा है क्या कहलाता है, बोला एवोल्यूशन कहलाता है। नंबर 8 पॉइंट आ गया जू जियोग्राफी। जू का मतलब होता है एनिमल्स, जियो का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी स्टडी करना यानी कि ऑर्गेनिज्म की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की अर्थ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन करना, डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करना क्या कहलाता है, बोला जू जियोग्राफी कहलाता है। नंबर 10 आ गया आपका सोशियो, नंबर 10 आ गया आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करेंगे डेवलपमेंटल स्टेजेस की स्टडी करेंगे ऑर्गेनिज्म। जिस तरह इधर मैंने लिखा था कि स्पर्म्स का एग, स्पर्म्स और एग मिलते हैं, जायगोट बनाते हैं, जायगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से मैंने बताया था आपको 6 स्टेजेस आती हैं, फिर जाके एक ऑफस्प्रिंग बनता है। ये 6 स्टेजेस की स्टडी करना क्या कहलाता है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। दैट इज ऑल अबाउट आवर वन फर्स्ट लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। नाउ इट्स